आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल रेड सॉस पास्ता, जिसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक पतीले में 2 कप पानी, और इसमें मैं डालूँगी 2 कप पास्ता और 1 चम्मच नमक, और इसको ढक कर के 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। उधर मैं लूँगी एक पैन में थोड़ा सा पानी, और इसमें मैं डालूँगी 4 टमाटर जिनको मैंने ऊपर से कट लगा दिया है, जिससे हमारे टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाएगा। उधर हमारे टमाटर भी उबलकर तैयार है, अब हम इनको ठंडा कर लेंगे और इनके छिलके को उतार लेंगे। हमारे टमाटर का देखिए छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। उसकी टमाटर की मैं प्यूरी बना लूँगी। उधर हमारा पास्ता भी उबलकर तैयार है, एक बार चेक कर लेंगे और स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। अब मैं करूँगी इसकी सॉस तैयार। तो सबसे पहले मैंने 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और उसमें 1/2 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसमें मैं डालूंगी बारीक कटी प्याज, इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटी गाजर और उबले हुए कॉर्न, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। और मैं डालूंगी इसमें टमाटर प्यूरी। अब इसमें कुछ जाएंगे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप और 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज। अब हम इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डालूंगी इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता, और इसको भी एक बार मिक्स करके 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। देखिए हमारा पास्ता बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।